नमो नमः बच्चों, आज हम कक्षा छठी का बड़ा रोमांचक लेसन पढ़ेंगे आज, ठीक है। चतुर्दशायने 14 लेसन का नाम है आच। देखो बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना आप इसको, है ना। क्या लिखा है, बड़ा विचित्र सा शीर्षक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बड़ा विचित्र शीर्षक है, आच क्या मतलब है इसका, है ना। तो क्या लिखा है, ये दोनों चीजें लाने के लिए मालिक अपने नौकर से कहता है कि मुझे अह और आह ला के दो, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा ऐसे डिक्टेट करके बताती हूँ, तो आपको इसकी स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लेसन है, मजा आएगा आपको, हंसी जरूर आएगी, है ना। क्या लिखा है, अजीत सरल परिश्रमी च आसी। अजीत जो था वो एक नौकर का नाम है जो उसके मालिक के घर पे काम करता है। वो बड़ा सरल और परिश्रमी व्यक्ति था, बड़ा सीधा साधा था और मेहनती था। यह स्वामी एव सेवाया लीन आसीत, और वह अपने स्वामी की हमेशा सेवा में लीन रहता था कि स्वामी ने कुछ बोला है फटाफट करना है, मतलब और कुछ काम करना ही नहीं, जो स्वामी ने बोला है वो करना है। फिर है एकदा सह ग्रहण गंतुम अवकाशम वाच्यते, एक दिन उसे अपने घर जाने के लिए स्वामी से छुट्टी मांगी। स्वामी चतुर आसीत, जो उसका स्वामी था वो बड़ा चतुर था। सह चिंतयति अजीज ईंधन हो अन्य कार्य कुशलम, अगर नौकर चला जाएगा तो घर का कार्य कौन करेगा, वो बड़ा चतुर था। उसने ये बात सोची, अब उसने सोचा कि मैं इसको कैसे न कैसे यहाँ पे रोक के रखूँ। एश अवकाश से अपनी वेतनम करिष्यति, उसने बोला कि मैं घर जाऊँगा तो मुझे पैसे भी चाहिए। उसने बोला मैं तुमको सब कुछ दूंगा, पर एक शर्त रखी उसने। एवं चिंतित हुआ स्वामी कथयति, और स्वामी बड़ा चिंतित हो गया और उसने उससे एक बात बोली। क्या बोला, अहम तुभ्यम अवकाश से वेतन से सर्व धनम दास्यामि, मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और जो तुम्हारा वेतन है वो भी मैं तुमको दूंगा। परम एतद् त्वं वस्तु द्वयम् आनयः, परंतु एक बात है कि मुझे दो वस्तु ला के दो, है ना। उसने बोला अह आह, अह ये लिखा अह और आह, ये दो चीजें तुम मुझे ला के दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। फिर एतत् श्रुत्वा अजीत वस्तु द्वयम् आनीतुं निर्गच्छति, अब वो जो अजीत था वो बड़ा परेशान हो गया कि भाई ये कौन सी चीज है, मैं कहाँ से लाऊंगा, चिंतित हो गया वो। सह इतस्य परिभ्रमति, और वो बाहर जाके इधर उधर घूमने लगा। जाने गच्छति, वो कैसे जाने की ये चीज क्या है, किसको बोले, बड़ा डर रहा था वो कि मैं किसी को बोलूंगा तो कोई मेरी बात पर हंसेगा। और आकाशम पश्यति, और ऊपर आकाश की तरफ वो देखने लगा। धरा प्रार्थयति, पृथ्वी से वो प्रार्थना करने लगा। परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। चिंतयति, क्योंकि ऐसी कोई चीज बाजार में मिलती ही नहीं है ना, तो वो कहाँ से लाएगा। फिर परिश्रम से धनम सह नैव प्राप्स्यति, वो बड़ा परिश्रम था, उसने बड़ा परिश्रम से धन इकट्ठा किया हुआ था। कुचित्र एकदा वृद्धा मिली, और वो घूम रहा था, घूमते घूमते उसे एक वृद्ध बुढ़िया मिली, है ना। सह त्वाम सर्वा वेदा श्रावयति, वो उसकी परेशानी बहुत देर से देख रही थी, उसने जाके उससे पूछा। सा विचारयति, तुम बड़े चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। स्वामी अजिजाय धनम दातुं न इच्छति, उसने बोला मेरे स्वामी ने मुझे धन देने से मना किया है। फिर सातवां कथयति, तुम मुझे बताओ तो सही। अहम तुभ्यं वस्तु द्वयं ददामि, उसने बोला मेरे स्वामी ने बोला मुझे दो वस्तु ला के दो। परंतु द्वयं वह एवं बहुमूल्य को वर्तते, वो तो बड़ी बहुमूल्य है, ना मेरे पास पैसा है तो मैं कहाँ से लूँ। उसने ये बात उसको बुढ़िया को बोली। प्रसन्न सह स्वामी समीपे आगच्छति, वो बड़ा खुश होकर अपने स्वामी के पास गया। अजीत दृष्टवा स्वामी चकित भवति, और अजीत जो था वो स्वामी के पास जाकर, स्वामी बड़ा चकित हो गया कि बड़ा खुशी खुशी आए, मैंने जो बोला था ये लेके आ गया। स्वामी शनि शनि पेटिकाया उद्घाटित, और जो उसका स्वामी था उसने क्या करा, धीरे धीरे उस पेटी को उसने संदूक ले जाके दिया, मतलब उसने अपनी परेशानी बुढ़िया को बताई, उसने उसका उपाय बताया और एक संदूक दे दी थी बड़ी उसको कि तुम ही अपने स्वामी के पास ले जाओ। स्वामी को दी और उसने स्वामी को बोला कि तुम उसको धीरे धीरे खोलो। पेटिकायां लघु पात्र द्वयम् आसीत, जो पेटी थी उसके अंदर दो डब्बियां रखी थी, एक छोटी थी और एक बड़ी थी।
सहा ललाटे दधाति, ललाट मतलब माथे पे, और माथे पे जाके उसको जोर से काटे। पीड़िते सहा उच्चेते चित्कार चित्त करोति आज, और जोर से चिल्लाया वो आ, अपने जोर से चिट्ठी या कोई भी चीज काटी तो अपन भी बोलते कि नहीं बोलते हो काट ली जोर से, जोर से अगर जोर बहुत जोर से काटता तो आ मम्मी करके चिल्लाते हैं, है ना। तो उसने भी ऐसे ही चिल्लाया। पीड़ित सह फिर अजीज सफल आसीत, और अजीज जो था वो अपने काम में सफल हो गया। स्वामी तस्य अवकाश से वेतन पूर्णम धनम ददाति, और जो स्वामी था वो समझ गया है जिसने मुझे सबक सिखाया है, उसने खुशी खुशी उसको पैसे भी दे दिए, छुट्टी भी दे दी और बोले तुम अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई तुमको? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस